हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन रिवीजन टूर का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम के बारे में देखेंगे कि इसमें एक प्रोग्राम में आपके कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे कि इसमें देर आर कमेंट्स, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे आप कोडिंग में देख रहे हैं, जैसे 15 है, a माइनस 10 है, a प्लस 3 या b इज़ ग्रेटर देन 5, दिस इज़ ऑल कॉल्ड द एक्सप्रेशंस। आफ्टर दैट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। प्रोग्रामिंग कोड में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट। आपको पता ही है कि हम जो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं वो हैश के थ्रू देते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं हैश। मल्टी लाइन कमेंट हो तो हम ट्रिपल कोट का यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद में फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, है ना, और उसको कॉलिंग भी करना होता है। जैसे इस प्रोग्राम में देखिए डेफ cu, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। डेफ कीवर्ड क्या डिफाइन कर रहा है कि ए सी यू नाम के फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, एंड फॉलो बाय द फंक्शन नेम, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस एंड कोलन। अब इस जो प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग है, एग्जीक्यूशन आपका मेन पार्ट से होता है या मेन प्रोग्राम कोड से होता है। तो मेन प्रोग्राम आपका यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले क्या देखिएगा, कंपाइलर ए इक्वल टू 15 असाइन किया, फिर बी इक्वल टू ए माइनस 10 असाइन किया, फिर प्रिंट कर दिया। उसके बाद में कंडीशन यहाँ चेक कर रहा है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वैल्यू ऑफ वाज नॉट 50 लेस इनिशियली इसको प्रिंट करेगा। आफ्टर दैट ये सी यू नाम का फंक्शन है, यहाँ से ये फंक्शन कॉलिंग हो रहा है। कॉलिंग होने के बाद में सी यू कंट्रोल जो है डायरेक्टली इस डेफिनेशन पे जंप करेगा और इस फंक्शन में जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें एक स्टेटमेंट है आपका टाइम टू से गुड बाय। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, फंक्शन नाम का चैप्टर भी आगे जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। तो लेट सी व्हाट इज फंक्शन, विच आर नेम्ड कोड सेक्शन एंड कैन बी रीयूज्ड बाय स्पेसिफाइंग द नेम्स। एंड ब्लॉक्स और सूट्स क्या होते हैं, तो ग्रुप ऑफ कमांड जो मल्टीपल जिसमें कमांड या स्टेटमेंट्स होंगे उसको हम ब्लॉक्स कहेंगे। जैसे हम लूप के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स या नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर इफ या एल्स पार्ट में हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, ब्लॉक कहा जाता है। तो देखिए, विच इज द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच आर अ पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और अ फंक्शन, ऑल स्टेटमेंट इनसाइड अ ब्लॉक और अ सूट्स आर इंटेंडेड टू एट द सेम लेवल। तो उनका जो इंडेंटेशन है वो सेम लेवल में होता है, मतलब वो एक ब्लॉक के अंदर है। आपको भी पता है कि इसमें इंडेंटेशन का कितना प्रॉब्लम लेता है। उसके बाद में वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। तो वेरिएबल एक्चुअली क्या होता है, वेरिएबल जो होते हैं वो एक मेमोरी लोकेशन को लेबल्ड मेमोरी को लेबल्ड करते हैं। जैसे कि हमें कोई वैल्यू पुट करना है या रखना है मेमोरी में, तो हम डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस के थ्रू तो नहीं वर्क कर सकते उसको, तो हम क्या करते हैं उस मेमोरी लोकेशन को लेबल्ड कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। हियर वेरिएबल रिप्रेजेंट द लेबल स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यू कैन बी मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन, इस तरीके से। और जो वेरिएबल्स नेम्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, एक उनका अलग आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि हमें रोल नंबर स्टोर करना है तो वेरिएबल का नाम हम क्या लेंगे, रोल नंबर। हमें नाम स्टोर करना है तो वी यूज़ नेम। अगर हमें एज स्टोर करनी है तो वी यूज़ एज। इस तरीके से वेरिएबल नेमिंग की जाती है या लेबल्ड किए जाते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे उनका बताया है कि जैसे जेकब स्टूडेंट है और फिर एज जो है वो 16, यहाँ इस तरीके से स्टोर करेगा। आफ्टर दैट डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है कि पाइथन जो है वो डायनेमिक टाइपिंग कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, जैसे एक छोटे से कोड में देखिए यहाँ पे है, एक्स को आपने पहले 10 असाइन किया, उसके बाद में इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर एक्स को फिर से हेलो वर्ल्ड आपने असाइन किया और उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। तो इसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये डायनेमिक टाइपिंग है। यही अगर आप स्टैटिक टाइपिंग में होते या फिर कोई ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम यूज़ कर रहे होते, जैसे C++ है, तो हम जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग के वक्त ही हम उनकी डेटा टाइप को पहले डिफाइन करते हैं कि भाई ये इंट टाइप का डेटा टाइप है, एक या फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है या कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है, इस तरीके से। तो अगर इंट टाइप का डेटा टाइप वेरिएबल अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को स्टोर करता है इन केस ऑफ स्टैटिक टाइपिंग।
लेकिन डायनेमिक टाइपिंग में आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर पाइथन में हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम वेरिएबल नेम के आगे किसी भी डेटा टाइप का डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये 10 या इंटीजर टाइप का, हमने ये एक्स के आगे कुछ इंटीजर या फ्लोट हमने कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। मतलब ये कभी भी आप इसमें वैल्यू, किसी भी प्रकार की वैल्यू को आप स्टोर करके आप रन करा सकते हैं। A variable pointing to a value of certain type and can be made to a point of value object of different type. This is called dynamic typing. तो है ना, किसी एक वैल्यू को वो पहले रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद में आपने उसको चेंज कर दिया, फिर वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग एक जो है वो डायनेमिक टाइपिंग है। उसके बाद में आप देखिए कि डायनेमिक टाइपिंग वर्सेस स्टैटिक टाइपिंग, अभी जो मैंने आपको बताया था वही ये सब है। डायनेमिक टाइपिंग इज अ डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक टाइपिंग। इन स्टैटिक टाइपिंग डेटा टाइप इज अटैच टू अ वेरिएबल व्हेन इट इज डिफाइंड द फर्स्ट। एग्जैक्टली यही चीज मैंने अभी आपसे कही थी कि पहले डेटा टाइप आप दिखाते हैं उसमें कि ये जो वेरिएबल है किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है, इन केस ऑफ स्टैटिक टाइपिंग है ना। When it is defined the first and it is fixed, तो वो जब आप declare करते हो तभी fix हो जाता है। That means कि अगर कोई integer type का variable है तो आप उसमें कोई string या character को store नहीं कर सकते, या float की value को आप store नहीं कर सकते, है ना। That is the data type of a variable cannot be changed in a static typing, whereas there is no such restriction in dynamic typing which is supported by Python. तो इसीलिए Python जो है ये restricted नहीं होता है, that's why it is a dynamic typing. उसके बाद में मल्टीपल असाइनमेंट्स। अब मल्टीपल असाइनमेंट मतलब किसी वेरिएबल को वैल्यू जब असाइन कर रहे हैं तो एट अ टाइम मल्टीपल असाइनमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो मल्टीपल असाइनमेंट्स का मतलब क्या है कि या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, मतलब ये जो 10 है ये ए को भी बी को भी एंड सी को भी असाइन हो रहा है एट अ टाइम इन अ सिंगल स्टेटमेंट, है ना। आफ्टर दैट असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब अब एक ही स्टेटमेंट्स में, अब यहाँ पे वेरिएबल देखिए एक्स वाई जेड है ना, 10, 20, 30। अब ये जो सीक्वेंस वाइज है, जिस सीक्वेंस में ये वेरिएबल है उसी सीक्वेंस में ये वैल्यू भी उन्हें असाइन हो रही है। जैसे एक्स को 10 असाइन होगा, देन वाई को 20 एंड जेड को 30। आफ्टर दैट यहाँ पर स्वैपिंग भी बहुत सिंपल है, आपको भी पता है, हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि स्वैपिंग पाइथन में कितना इजी है, है ना। जैसे एक्स और वाई की दोनों वैल्यू हमको स्वैप करनी है तो विल सिंपली राइट द स्टेटमेंट एक्स कॉमा वाई इजिकल्स टू वाई कॉमा एक्स, तो वाई की वैल्यू वो एक्स में चली जाएगी एंड वाई को जो है वो एक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी सिंपल इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल की ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मेमोरी किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है किसी वैल्यू को। अब जैसे वैल नाम का वेरिएबल है, पहले हमने उस स्टेटमेंट में वेरिएबल में 3 असाइन किए थे और उसका एड्रेस था 3000। उसके बाद में वैल नाम के वेरिएबल में हमने 6 असाइन कर दिए तो उसका भी एड्रेस अभी 3000 ही है। तो इसने लोकेशन चेंज किया क्या? ये नहीं, इसने लोकेशन चेंज नहीं किया, लोकेशन पर की उसने वैल्यू चेंज कर दी, है ना। तो वेरिएबल वैल्यू स्टोर्स वेल एट द सेम लोकेशन एंड चेंजेस द वैल्यू स्टोर इन इट, उसके जो उस लोकेशन पर की जो वैल्यू है उसने उसको चेंज किया, ना कि उसने अपनी लोकेशन चेंज की। लेकिन यही पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, अब देखिए अगर वैल में आपने 3 स्टोर किया था तो इसका लोकेशन था 3000, लेकिन अगर 6 स्टोर कर दिया तो इसका लोकेशन है इसका 3048। तो इसने क्या किया, वैल्यू ना चेंज करके उसने लोकेशन अपने है उस लोकेशन को रिप्रेजेंट करने लगा वो, है ना। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग में इस तरीके से होता है। मेमोरी एड्रेस इज स्टोरिंग वैल्यू ऑफ 3 असाइन टू अ लेबल एस, इसका तो इसका मेमोरी एड्रेस 3000 था, लेकिन अब जो वैल्यू आपने चेंज कर दी है उसकी वैल नाम के वेरिएबल की, तो अब जो है उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो अब चेंज हो गया है। नाउ द सिंपल इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट या फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन, एज यू नो व्हाई वी यूज द इनपुट फंक्शन, इट इज़ यूज टू टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर। वी कैन टेक एनी टाइप ऑफ इनपुट लाइक इंटीजर, लाइक फ्लोट, लाइक स्ट्रिंग। तो इनपुट फंक्शन जो है जो यूजर देता है तो ये स्ट्रिंग टाइप में देता है, है ना। अगर आपने 10 भी डाला है तो 10 ये स्ट्रिंग टाइप में आ रहा है, ना कि ये इंटीजर टाइप में आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंक्शन लगाते हैं। जैसे हमें कोई वैल्यू इंटीजर की लेनी है या फ्लोट की लेनी है तो वी यूज लाइक इंट देन इन ब्रैकेट ओपनिंग देन इनपुट फंक्शन, इस तरीके से हम लिखते हैं। हमने ये पिछले किया भी है तो देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। ये देखिए
कि रीड इन द वैल्यू यूजिंग द इनपुट फंक्शन एंड इन इसमें इंट एंड फ्लोट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, तो जिस तरीके की वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना होता है तो हम उसी तरीके की वैल्यू का फंक्शन हम लिख देते हैं। जैसे इंट में लेना है तो इंट लिखते हैं, फ्लोट में लेना है तो फ्लोट लिखते हैं। लेकिन जब यूज़र इनपुट दे रहा है, जब ये प्रॉम्प्ट आपका डिस्प्ले होता है, तो वो वैल्यू मेक श्योर कि वो वैल्यू इंटीजर ही हो इन केस ऑफ यू आर राइटिंग इन इंटीजर, एंड इन केस ऑफ इफ यू आर राइटिंग अ फ्लोट दैट मेक श्योर दैट वैल्यू शुड बी इन अ फ्लोटिंग टाइप। ओके, after that the print statement, as you know why we use the print statement, it is used to print the anything, it is used to print the value, it is used to print the any message, like ab yahan pe dekhiye print hello, ye hello print karega, uske baad mein ye value print kar raha hai, uske baad mein ye expression hai jo expression ka calculation ke baad mein value print karega, is tarike se I am 17 year old, is tarike se ye message print karta hai। उसके बाद में यहाँ पे एक एग्जांपल है कि माय नेम इज़ अमित, है ना, तो यहाँ पर प्रिंट होगा माय नेम इज़ अमित सिंपली, तो क्या होगा कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही स्पेस सेपरेटर कैरेक्टर यहाँ पे है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो पाइथन के ओल्डर वर्जन है जैसे 2.7 या 2.6, उस वर्जन में ये एसीपी एंड एंड वर्क नहीं होता है, है ना। तो ये जो SCP है ये पाइथन 3 के आगे के वर्जन पे ही वर्क करेगा, SCP एंड एंड, तो सेपरेटर, वाई वी यूज द सेपरेटर, दो स्ट्रिंग के बीच में हमको कोई सेपरेटर कैरेक्टर लगाना हो तो हम सेपरेटर यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए माई के बाद में आपने सेपरेटर, मतलब हर एक स्ट्रिंग को उसने इस कैरेक्टर से सेपरेट किया है, माई डॉट 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 द नेम डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। आफ्टर दैट जैसे हम कोई दो प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो दो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या होता है, इस स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली एंड ऑफ लाइन दे देता है वो, मतलब नेक्स्ट लाइन में चला जाता है कर्सर और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो वी कैन यूज योर एंड फंक्शन, तो एंड एंड में हम यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर या फिर सिंगल स्पेस दे के भी हम कर सकते हैं, जिसके कारण आपके जो ये दोनों स्टेटमेंट है वो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए। तो ये हमारा एक रिवाइज था, तो आई होप आपके समझ में आया होगा, थोड़ा रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू।